तो दोस्तों अभी आप थंबनेल देख के मेरे वीडियो पे आ ही गए हो तो वीडियो को पूरा देख लेना। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके आधार कार्ड से कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे आधार कार्ड से किसी और का मोबाइल नंबर भी लिंक हो जाता है, तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम अपने आधार कार्ड से जो भी हमारे मोबाइल नंबर लिंक होंगे वो कैसे देख सकते हैं। तो अभी दोस्तों उसके लिए हम चलेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर। ये वाला प्रोसेस आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, तो सेम प्रोसेस है इसमें। और चलिए तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए दिख रहा है मेरा चैनल कनेक्ट ऑन टेक, तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन दबाकर। तो अभी दोस्तों हम यहाँ से न्यू टैब ओपन करेंगे, और दोस्तों न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ गूगल सर्च बार में हम टाइप करेंगे UIDAI। तो यहाँ पर हम ये आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर हम एंटर प्रेस कर देंगे और इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो चलिए अब यहाँ पर ये देखिए लोडिंग ले रहा है ये। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको ये दिख रहा है पहला ही लिंक, ये वाला। इस पर हम पहले ही लिंक पर हमें क्लिक करना है और हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। तो अभी चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं लिंक पे और फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम चले जाएंगे। तो यहाँ से हम क्लिक करते हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ से देखिए लोडिंग ले रहा है ये। अब दोस्तों यहाँ पर ये वाला इंटरफेस हमारे सामने इस तरीके का कुछ ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ये लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से देखिए इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट आपको उसी लैंग्वेज में दिखाई देगी। तो अभी दोस्तों यहाँ पर हम इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे और इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से देखिए वेलकम लिखा हुआ आ गया। अब हमने इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ से क्लिक करने के बाद हम पहुँच जाएंगे अगले पेज पर। तो यहाँ से देखिए अब ये फिर से लोडिंग होगा, कुछ सेकंड का समय लगेगा और ये यहाँ से हमारे को ले जाएगा अपनी वेबसाइट पर। तो अभी थोड़ा सा देखिए दोस्तों यहाँ से ये वेबसाइट हमारी ओपन हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर ये देखिए ये ऐड आ रहा है, ये सभी वेबसाइट्स में आता है। इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे। तो यहाँ से इसको बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे नीचे। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से देखिए ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन यहाँ पर वेरीफाई एन आधार नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों हम वेरीफाई एन आधार नंबर पर क्लिक करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ से एक और नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा, वेलकम टू माय आधार। तो दोस्तों अभी हम फिर से स्क्रॉल करेंगे नीचे, यहाँ से हम स्क्रॉल कर लेंगे और दोस्तों यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है चेक आधार वैलिडिटी। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। अभी हम इस पर क्लिक करते हैं और इसके बाद का आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या करना है। तो अभी हम यहाँ से क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये हमारे सामने ये इस तरीके का कुछ इंटरफेस आ गया। यहाँ पर हमें आधार नंबर डालना है और यहाँ अपना कैप्चा डालना है, ये जो आपको कैप्चा दिख रहा है। तो अभी हम यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल लेते हैं फटाफट और फिर हम यहाँ से इस पर कैप्चा हम डाल देंगे। तो अभी हमने यहाँ पर दोस्तों आधार नंबर फिल कर लिया है। अब ये वाला कैप्चा हमें डालना है। और दोस्तों अगर ये कैप्चा आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये भर देंगे कैप्चा को, और अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा तो यहाँ से इसको रिफ्रेश कर सकते हैं हम। तो अभी हम ये कैप्चा भरने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ से हम कैप्चा ये भर लेते हैं। तो यहाँ से दोस्तों ये कैप्चा भरने के बाद यहाँ से हमें प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ से हम ये कैप्चा फिल कर लेते हैं जल्दी से। तो ये हमने कैप्चा भर लिया है दोस्तों। अब यहाँ से हम इस पर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये आपको प्रोसीड का बटन दिख रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। और दोस्तों यहाँ से देखिए ये हमारी डिटेल आ चुकी है, ये आधार कार्ड है, ये एग्जिस्ट है, यानी कि ये है आधार कार्ड इस नंबर से। यहाँ हमारा एज बैंड आ रहा है, जेंडर मेल आ रहा है। और दोस्तों यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा मोबाइल नंबर। तो यहाँ से हमारे मोबाइल नंबर के 3 अंक दिख रहे हैं आपको लास्ट के। तो ये मोबाइल नंबर हमारा इसके साथ लिंक है, इस आधार कार्ड के साथ हमारा ये मोबाइल नंबर लिंक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नया आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। ये जो लाल बटन दिख रहा है इसको दबाकर आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं।